कैपिटल स्मार्टी में अक्सर मेंबर सवाल करते हैं कि इस वक्त एक्जेक्टिव ब्लॉक में या ओवरऑल जो पाँच मला के विलास बने हुए हैं जनरली कपिटल स्मार्टी में उसमें डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है तो इस स्टूडियो में आपको मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा कि जो पाँच मला के जो स्ट्रक्चर कंसर्ट हुए हैं स्पेसिफिकली जो जॉर्जन स्टाइल में कंस्ट्रक्ट हुए हैं तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है मैं राइट नाउ एक्जैक्टिव ब्लॉक मौजूद हूँ मुझे मैंबर ने ओवरसीज ईस्ट का कहा था सेक्टर ई का लेकिन वहाँ अभी तक फिनिशिंग की फॉर्म में नहीं आए विलास तो वहाँ मैं जैसे बात है कि स्ट्रक्चर बना सकता हूँ मैं बना के पोस्ट ज़रूर कर दूंगा लेकिन जिन मेंबर्स ने जॉर्जियन स्टाइल के पाँच मल्ला के बुक किए हुए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंस्ट्रक्शन जब मुकम्मल होगी तो ये कैसे दिखाई देंगे राइट नाउ ये एक जॉर्जियन स्टाइल का स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रहा है ये पाँच मल्ला का एक्जैक्टिव ब्लॉक बी में है अब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये रोड की वेट आप नोट कर लें ये एवरेज 40 फीट रोड है और 40 फीट रोड पे दोनों साइडों में जब घर बनते हैं तो आपको स्ट्रीट में ये स्पेस मिलती है यानी कि पहले आपके ये स्ट्रीट लाइट्स के लिए जगह है ये जो आपको बॉटम में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स लगने हैं जैसे यहाँ पे इंस्टॉल होगी अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीट वेट्स होगी मेन रोड 22 टू फीट की उसके साथ ये आपकी फुटपाथ्स फिर घर के सामने कुछ ओपन स्पेसेस और ये घर का आपका गेट होगा यहाँ पे गेट जो है उनको इस साइल में और बड़े कह लेंगे सॉलिड तर्स की यहाँ पे इंस्टॉलेशन की गई है सामने आपको सेप्ट टैंक नज़र आ रहा है और साथ मोटर भी लगी हुई है और ये आपको सीलिंग का डिज़ाइन मिलता है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है ओपन स्पेसिस की बात करें तो ये आपके फ्रंट में फाइव फीट की स्पेस है और उसके अलावा मैं एलिवेशन दिखाना भूल गया मेन एलिवेशन कैसी है अब ये फाइव मरला की एलिवेशन आपको इस तरह से मिलती है ये आप एग्जेक्टिव ब्लॉक हो या ओवरसीज ब्लॉक हो या जहाँ भी हो तो पाँच मरला के जो भी बिलास कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो आपको इसी एलिवेशन में नजर आएंगे जो कि जॉर्जन स्टाइल में है जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही डिसेंट और अच्छी एलिवेशन है आप चलते हैं जी घर के अंदर अंदर से देखते हैं कि कैसा कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है ये फोर बेडरूम का घर है जिन मेंबर्स के पास फोर बेडरूम की यूनिट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फोर बेडरूम की यूनिट्स जो होंगे वो तमाम के तमाम इसी तरह के दिखाई देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा तो लाइट्स पर ऑन कर लूँ अच्छा जी सबसे पहले आप नीचे आते हैं तो नीचे एक बेडरूम है विद अटैच बाथ एक आपका पाउडर रूम है इस रूम की लाइट्स क्या ओके फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे जैसे आप एंटर होते हैं इस जगह पे सबसे पहले आपको ये जो आ, लिविंग स्पेस मिलती है या लिविंग एरिया कह लें टी वी लाउंज कह लें ड्राॅइंग रूम कह लें या कुछ भी आप कह लें ये आपकी अपनी पर्सनल लिविंग स्पेस प्लस यहाँ पर आपका डाइनिंग रूम आ गया अब आमतौर पर नीचे इसको ड्रॉइंग डाइनिंग भी कहते हैं कुछ लोग इसे लिविंग रूम भी कहते हैं कुछ लोग इसे टी वी लॉन्च भी कहते हैं सब्जेक्ट टू योर चॉइस आप जैसे चाहें नाम दे सकते हैं नीचे अच्छी स्पेस है यह आपका आपको एट सीटर डाइनिंग टेबल नज़र आ रहा है अलॉन्ग विद डबल विंडोज तो एम्पल ऑफ डे लाइट आपको मिलेगी इस जगह से फिर टीवी लाउंज में आउटर विंडो एम्पल ऑफ डे लाइट आपको मिलती है इस जगह से भी फिर इसके साथ आप देखते हैं कि आपको एक अच्छी सी लिविंग स्पेस यहाँ पे मिल जाती है मैं बेडरूम की तरफ बाद में जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे ये आपके स्टेयर्स के नीचे जो पाउडर रूम है पाउडर रूम मीनस कि हाफ वाशरूम इस घर में फोर बेडरूम फोर एंड हाफ बाथरूम होंगे तो ये आपका पाउडर रूम नीचे आ गया लेफ्ट साइड पे ये ऊपर तरफ स्टेयर्स जाती हैं लेकिन हम स्टेर से बाद में जाएंगे पहले चलते हैं जो खुतिन की फेवरेट जगह होती है घर में दैट इज किचन किचन में देखते हैं कि कैसी स्पेस है अभी अभी किचन स्पेस आ गई मेरे ख्याल में कि अच्छी खासी स्पेस बनती है किचन को लेके भी किचन की स्पेस को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बैक साइड पे पैटी हुआ है यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रही हैं यही आपकी एज इट इज प्री इंस्टॉल्ड आपके पास आएंगी तो ये चीज़ें आपकी जिन मेंबर्स के पास डेफिनेटली ये बिला प्रोक्योर करने के बाद

जो आपको ऊपर वाले फ्लोर पर लेके जाते हैं ये आ आगे आपका जी फर्स्ट फ्लोर लाइट्स ऑन पहले। अच्छा जी ऊपर वाले फ्लोर पे आपके तीन बेडरूम्स हैं, अलोंग विध लिविंग स्पेस अलोंग विथ किचनेट और अलोंग विथ ये सबसे पहले आपका किचन स्पेस आ गई जो कि अच्छी एम्पल स्पेस है अलोंग विथ सनलाइट ये आपका आ गया जी पहला बेडरूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आमतौर पर लोग गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जस्ट लुक एट द व्यू इमेजिन करें कि पांच मुले घर से आपको ये पीछे बैक साइड पे ये गोल्फ कोर्स का व्यू नजर आए तो वर्थ करता है कि नहीं करता ये बिल्कुल पीछे गोल्फ कोर्स है फिर इस तरफ आजन जी ये इसके साथ आ गया वार्ड्रोब और वार्ड्रोप के साथ वॉकिंग वार्ड्रोप है और वार्ड्रोप की देखें मटेरियल चेक करें लाइक अटैच बाथरूम है इसका शावर पोटा के इंस्टॉलेशन है मोस्टली मास्टर की टाइल्स के साथ अब चलते हैं जी दूसरे बेडरूम में ये दूसरा बेडरूम आ गया ये भी हाउस अंडर फर्निश है तो आइडिया आपको हो रहा होगा इसके साथ भी अटैच बाथरूम है इसके साइजेस जो है वो वीडियो में साथ साथ एडिटिंग के दौरान ना मैं वो लगा दूंगा साथ साथ कि साइजेस क्या बनते हैं ये आ गया आपका जी थर्ड बेडरूम सो दिस इज ओवरऑल स्पेस ये आ गई लेफ्ट साइड पे वन टू थ्री बेडरूम्स और एक बेडरूम नीचे हैं चार बेडरूम्स टोटल अब चलते हैं जी रूफ टॉप पे अब अगर मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा ये आपके लिए चीज वैल्यू करेगी अगर आप इस पर आज डिसीजन लेते हैं तो वरना फ्यूचर में जाके आपने से पछताना है चले मैं अच्छा जी हमें अगर रूफ टॉप पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इजिली सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं हर रूफ पे सेपरेटली मेंबर्स की तरफ से फेंसिंग की हुई है अच्छा यहाँ पे अच्छा फाइव के वी का सोलर इंस्टॉल हो सकता है बड़ा इजीली। अच्छा मैं रूफ टॉप पर क्यों लाया हूँ मैं वो चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ अगर आपके पास आज की डेट में तीस से पैंतीस लाख रुपया कैश है और आप अफोर्ड करते हैं तो यहाँ पे प्लॉट बाय कर लें एग्जैक्टिव ब्लॉक में ये मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की पाँचवीं छठी गली में खड़ा हूँ नॉर्मल सी स्ट्रीट है कोई ख़ास बात नहीं इस गली की खास बात सिर्फ ये है कि ये हर घर से छत से आपको ये व्यू मिलेगा ये सामने जो आपको नज़र आ रही है सारा गोल्फ कोर्स है ठीक है गोल्फ कोर्स के अंदर आपको आम प्रॉपर्टी जो है किसी भी शहर में जाके जैसे कैपिटल स्मार्टिटी में गोल्फ कोर्स के को जो बिला वो पच्चीस करोड़ की प्राइस के लॉन्च हो रहे हैं ठीक है उनसे उनको जो गोल्फ कोर्स से नजर आना है उन विलाज में से जो गोल्फ कोर्स नजर आना है वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है तीस लाख पहले पैंतीस लाख का प्लाट लें कंस्ट्रक्शन करें करोड़ सवा करोड़ डेढ़ करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें और ये वाले व्यूज इन्जॉय करें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि पानी ऑफिशली सोसाइटी की तरफ से इस गली में पीछे मस्जिद बनी हुई है और ये आपको सारे नेबर उड घर नज़र भी आ रहे हैं और ये दो घर ऐसे हैं एक घर ये है जो ग्रियाचर मुकम्मल है आप सोचें इस घर की छत से भी तो गोल्फ कोर्स उतना ही अच्छा नज़र आना है जितना गोल्फ कोर्स के अंदर से नजर आना है ये घर बन रहा है सेम वही सिचुएशन जितना मेन रोड के नज़दीक जाते रहेंगे उतना को बेनिफिट होता रहेगा अच्छा इसके अलावा हर गली को सेग्रीगेट किया गया है कि उस गली से कमर्शियल के डिस्टेंस जो अच्छा खासा डिस्टेंस है तो ये आपको कमर्शियल से डिस्टेंस रखने के लिए आपको इस घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इस ब्लॉक को कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है जो चाम से बाइक जा रही है एरिया इस एरिया में प्रॉपर फेंसिंग करके ये गेट लगाया गया है यानी कि आने जाने का ब्लॉक में एक ही रास्ता होगा जो आएगा जो जाएगा वो इसी रास्ते जाएगा और ये आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं ये यहाँ के रेजिडेंट हैं नीचे आपको ये जो डस्टबिन नजर आ डस्ट रहे हैं ये इटली से इम्पोट किए गए थे जो स्मार्ट डस्टबिन हैं इसमें आपकी जो पेपर वेस्टेज है जो आपकी प्लास्टिक वेस्टेज है जो उसके अलावा आपकी कह लें कि जनरल जो ग्रॉसरी वगैरह की वेस्टेज होती है सब्ज़ियाँ वगैरह तीनों को सेपरेट बॉक्सेज रखे गए हैं हर स्ट्रीट के अंदर हर स्ट्रीट की डिमार्केशन हो चुकी है सोलर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं और ये आपका गोल्फ कोर्स के पास नजदीक तीन जो ऑप्शन बनता है ये वाला विलाज बनता है मेरा ख्याल है अगर मेम्बर की पॉकेट इजाज़त दे तो इससे अच्छी आपके पास ऑप्शन नहीं बनती और बाकी लाइफ देख लें एक्जैक्टिव ब्लॉक और चूँकि सिलिकॉन विलेज के जो मेम्बर्स हैं जो मोस्टली जॉब पर आए हैं यहाँ पर उनको रेंट पर दिया गया है तो यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ आपको मिलना शुरू हो गई है जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये गोल्फ़ कोर्स के सामने बनने वाले बी ब्लॉक के पाँच मुला के विलाज हैं सो व्यूअर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट ही बुकिंग खोले कुछ मालूमा चाहिए देखने पर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए हाफिज़